family of Gadget Times, it's me Pavni Jain, and it's time to bring you guys one new video. This is NoiseFit Diva smartwatch, which is specially designed for women, and it comes at a price of ₹2,999, which is good enough reason to review it, because there are a lot of female users who keep on asking for a budget friendly ऑप्शन स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्मार्ट वॉचेस. तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस वाले स्मार्ट वॉच को रिव्यू. आपको बताएंगे कि क्या आपको इस प्राइस पॉइंट पे इस घड़ी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं. लेट्स बिगिन. सबसे पहले बात करेंगे डायल साइज की. ऑनेस्टली दिस सीम्स वेरी वेरी अप्रोप्रिएट. बहुत सारे स्मार्ट वॉचेज होते हैं जो कि ऐसा रेक्टेंगुलर डायल के साथ आते हैं, फिटनेस ट्रैकर टाइप, बट वो बहुत ज़्यादा आपके रिस्ट पर अच्छा नहीं लगता. बट दिस कम्स विद वेरी अप्रोप्रिएट डायल साइज. मेरी रिस्ट पर मत जाना, इट्स वेरी थिन, बट वी ऑल्सो ट्राइड इट विद अदर फीमेल यूजर्स, तो उन पर ये अच्छा लग रहा था. सेकेंड थिंग दैट आई वुड वॉन्ट टू मैंशन वेन इट कम्स टू डिजाइन इज इट्स डायमंड कट पैटर्न, विच इज वन ऑफ इट्स USPs. थोड़ा यूनिक है, अच्छा लगता है, इट एड्स टू द एलिगेंस ऑफ द स्मार्ट वॉच. एलिगेंस से याद आया तीसरा पॉइंट है मेटालिक फिनिशिंग. गोल्ड फिनिशिंग आपको साइड पे मिलता है, लुक्स रियली वेरी ऑसम. नाउ कमिंग टू द कलर्स, ये जो आपको लेदर स्ट्रैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें दो कलर ऑप्शंस है, रोज गोल्ड जो कि हमारी रिव्यू यूनिट है, और दूसरा कलर है पर्ल व्हाइट. ये दोनों का प्राइस है ₹2,999. लेकिन अदर देन द लेदर स्ट्रैप, यू ऑल्सो गेट एन ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर अ मेटालिक मेश स्ट्रैप, विच लुक्स इवन मोर ब्यूटिफुल, स्पेशली विद द मेटालिक फिनिशिंग. इट एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स इट. उसमें आपको तीन कलर्स मिलते हैं, ब्लैक, सिल्वर एंड गोल्ड. दैट वॉच इज प्राइस एट ₹3,499. ₹500 आपको एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे. तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 1.1 इंच का AMOLED डिस्प्ले, विच कॉन्सर्ट्स विद एवरीवन्स फेवरेट AOD फीचर. और यहाँ पर अगर मैं बेजल्स की बात करूँ तो वो मुझे थोड़े से थिक लगे, वन ऑफ द डिसअपॉइंटिंग फैक्टर, बट दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डायमंड कट पैटर्न. To overlook that fact, here's a little trick. What you can do is you can use a dark colored watch face. अगर आप light color का use करेंगे तो आपको bezels और ज़्यादा visible होंगे. Coming to the quality of the AMOLED display, 1.1 inch का panel काफी ही solid है. I really like the colors, how they look on this smartwatch. They look vibrant, they look punchy. और brightness की बात की जाए तो वो इसका एक बहुत अच्छी advantage है, एक अच्छा pro है जिसको मैं बोलना चाहूँगी. That's because I shoot a lot outdoors. तो वहाँ पर क्या होता है ना, harsh sunlight होती है. तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ डिवाइसेस का जो स्क्रीन है वो विजिबल नहीं होता, बट दैट इज नॉट द केस विद दिस स्मार्ट वॉच. द टेक्स्ट इज वेरी वेरी रीडेबल, इट्स क्रिस्पी, और आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जिसमें मुझे लगता है कि तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सबसे पहले सेंसर्स की एक्यूरेसी, दूसरा पॉइंट कि यूजर इंटरफेस स्मार्ट वॉच में कैसा है, और तीसरा पॉइंट जो होता है वो है ऐप सपोर्ट. शुरुआत करेंगे सेंसर्स की एक्यूरेसी के साथ. मेजरली मोस्ट ऑफ द सेंसर्स जो आम तौर से आपको वेरेबल डिवाइस में दिखाई देते हैं वो इसमें उपलब्ध है, जैसे कि SPO2 टू मेजर योर ऑक्सीजन सैचुरेशन, हार्ट रेट, या फिर एक्सेलोमीटर. तीनों ही सेंसर्स बहुत बढ़िया काम करते हैं, एक्यूरेट हैं, बट एट द सेम टाइम आई वुड वॉन्ट टू से इफ यू आर बाइंग दिस स्मार्ट वॉच जस्ट फॉर द हेल्थ पर्पसेज, हेल्थ मॉनिटर करने के लिए बहुत ही ज्यादा कीनली बिकॉज ऑफ एनी हेल्थ इश्यूज, देन यू शुडंट स्टिक टू जस्ट अ बजट फ्रेंडली स्मार्ट वॉच. उस केसेस में या तो आपको एक प्रोफेशनल मेडिकल इक्विपमेंट पे रिलाई करना चाहिए या फिर फ्लैगशिप डिवाइसेस पे रिलाई करना चाहिए. बट थोड़ा बहुत अगर आपको अपने बारे में जानकारी रखनी है, चीजों को ट्रैक करना है, स्लीप पैटर्न या फिर पीरियड ट्रैकर की जरूरत है, तो उस केस में ये बढ़िया तरीके से काम करता है. दूसरा हम आते हैं यूजर इंटरफेस पे. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इवन इफ यू वॉन्ट टू गिव इट टू समबडी हु इज अ फर्स्ट टाइम यूजर, उसको आसानी से समझ में आएगा. तीसरा अगर मैं ऐप सपोर्ट की बात करूँ तो दैट वर्क्स रियली वेरी वेल. काफी ही स्मूथ है और बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आप वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं. अब हम थोड़ा सा यूजर इंटरफेस के बारे में डिटेल में बात करते हैं. तो जैसे कि मैंने बोला था यूजर इंटरफेस इज इजी टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा आपको इसके बारे में दिखाएंगे. आप स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ पर मोड्स आपको मिलते हैं, वाइब्रेशन मिलती है, वाइब्रेशन के इंटेंसिटी को आप चेंज कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं या सॉफ्ट कर सकते हैं. इसके अलावा आपको बैटरी स्टेटस यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर आपको ब्राइटनेस मिल जाती है देखने के लिए कि आपको कम या इसको ज्यादा करना है, तो इस तरीके की चीजें आपको मिल
जाएंगी। स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ से मैसेजेस को एक्टिवेट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे जो भी आपको छोटा बहुत एक नोटिफिकेशन पैनल होता है, उसके रूप में आपको टाइम, डेट, कॉलिंग, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, वेदर अपडेट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ इसको स्वाइप करेंगे तो आपके जो जितने भी सेंसर्स का इन्फॉर्मेशन है जो उसने कलेक्ट किया है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि स्टेप्स टेकन या फिर आपका हार्ट रेट, स्लीप ट्रैकिंग अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है करने में। मैं नहीं हूँ इसलिए मेरा डेटा जीरो है स्लीप ट्रैकिंग को लेके। वेदर अपडेट्स आप ले सकते हैं और स्मार्ट वॉच से ही आप म्यूजिक को टर्न ऑफ, टर्न ऑन, पॉज, प्ले, मूव टू नेक्स्ट ट्रैक, मूव टू प्रीवियस ट्रैक, ये सारी चीज़ों के साथ भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एड ऑन, डिलीट, आप अपने हिसाब से विजिट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यूआई का हिस्सा, इसके फीचर्स। अगर आप यहाँ पर सिंगल टैप करेंगे तो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे कि म्यूजिक, जैसे कि पीरियड ट्रैकर, वेदर अपडेट्स, मैसेजेस, ब्लड ऑक्सीजन, स्लीप, मतलब बाहर जो था वो सब कुछ आपको यहाँ एक जगह पर दिखाई देगा। बिल्ट इन कैलेंडर, क्लॉक, ये सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कूल सा लगता है, करके दिखाती हूँ आपको। एक कैलकुलेटर पे जाएंगे तो आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं 1, 2, 3 × 5, 6, 7 एंड दैट इज द रिजल्ट, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप एक्टिवेट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो इसका मेन्यू स्टाइल है वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है। उसको चेंज करने का शॉर्टकट ये है कि आपको यहाँ साइड में डबल टैप करना है और आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके का मेन्यू स्टाइल भी मिल जाएगा। या फिर अगर आपको ये चाहिए, विच इज वे मोर कन्वीनियंट, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। बैक करेंगे, वॉच फेस को चेंज करना है तो यहाँ बीच में आप इसको प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पर आपको और बाकी बिल्ट इन वॉच फेसेस के डिजाइन दिख जाएंगे। इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। 100+ वॉच फेसेस के साथ आता है, जो कि आपको ऑलरेडी बता दिया, बट वो आपको दिखेगा ऐप के थ्रू। जो ऐप आपको इंस्टॉल करना है उसका नाम है नॉइस फिट फोकस। यहाँ पर आपको नीचे तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं। होम पेज पे आपको सारा का सारा अपने बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा। नाउ व्हाट आई वांट टू शो यू गाइस इज, डिवाइस में जाएंगे तो बाकी के सारे ऑप्शंस आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। कैमरा शटर करना है तो इसको यहाँ पर आप एक्टिवेट कर लीजिए। रिस्ट प्रेफरेंस लेफ्ट है या राइट हैंड है वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। और यहाँ पर इसके अलावा वॉच फेसेस की जो हम बात कर रहे थे, गाइस एक और चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ड्रिंक रिमाइंडर का भी ऑप्शन लगा रखा है। हर 30 मिनट में वाइब्रेशन होता है और मुझे पता है कि मुझे पानी पीना है। वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। सो नाउ कमिंग बैक टू द वॉच फेसेस, 100+ वॉच फेसेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आप कुछ भी चूज कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। तो ये सारी फाइंड डिवाइस करके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, जस्ट इन केस अगर आपकी वॉच कनेक्टेड है, फोन रख के भूल गए हैं, तो अपने स्मार्ट वॉच से इस ऑप्शन पे जाइए और आपका फोन में ऐसा बीप भी बजेगा और आपको पता चल जाएगा आपका फोन कहाँ पर रखा हुआ है। तो इस तरीके के आपको यहाँ मिलते हैं। मी में जाकर आप और अपने बारे में डिटेल्स फिल कर सकते हैं, वुमेन हेल्थ चेक कर सकते हैं एंड दैट्स ऑल। सो आई रियली लाइक द ऐप सपोर्ट दैट यू गेट विद नॉइस फिट फोकस, इट्स वेरी इजी। कॉलिंग फीचर की बात करें तो आपको सारे के सारे कॉल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने स्मार्ट वॉच पर दिखाई दी जाएगी, जैसे कि कॉल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट्स या फिर प्रीवियसली कॉल्ड पीपल। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, फ़ोन उठा सकते हो यहाँ से आसानी से। हालांकि उसकी वॉल्यूम मुझे थोड़ी सी कम लगी, बट लेकिन दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन यूज़ इन केस ऑफ emergencies। उसके अलावा आपको यहाँ पर मिल रहा है ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट एंड इट्स वेरी वेरी ईजी टू पेयर। मतलब अगर आपने अनपेयर किया फॉर वट एवर रीजन, अब वापस से पेयर करना चाहते हैं, देन इट इज़ गोइंग टू टेक हार्डली अ फ्यू सेकेंड्स। अब चलते हैं बैटरी की ओर। सी, बैटरी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है आपके यूसेज के ऊपर। तो अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन इफ़ यू आर वेयरिंग दिस स्मार्ट वॉच, तो कंपनी का कहना है कि 4 दिन इसको आराम से चला सकते हैं। बट आई वॉजेंट वेयरिंग दिस स्मार्ट वॉच एट नाइट ड्यूरिंग माई एक्सपीरियंस वेन आई वॉज रिव्यूइंग इट, बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी गुड फैन ऑफ ट्रैकिंग माई स्लीप पैटर्न्स, आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। तो इसलिए मैं इसको रात को नहीं पहन रही थी। इन दैट केस ये घड़ी आराम से आई कुड ड्राइव इट 7 to 8 days ऑफ बैटरी लाइफ विद दिस स्मार्ट वॉच। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बैटरी डिपार्टमेंट इज वेरी वेरी डिसेंट एंड द बैटरी साइज और द बैटरी पैक इंक्लूडेड इन दिस वन विच इज 230 mAh इज वेरी वेरी सेटिस्फैक्ट्री। तो आपको बार बार अपनी घड़ी को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है।
आई नो व्हाट यू गाइस वांट टू नो नाउ कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं. उसके लिए आई एम गोइंग टू स्टेट इट्स प्रोज एज वेल एज कॉन. सबसे पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी वो है इसकी डिसेंट बैटरी लाइफ, बार बार चार्ज नहीं करना पड़ता. दूसरी चीज जो मुझे इसकी अच्छी लगी वो है इसके 2-in-1 लुक्स, मतलब कि एक टिपिकल फिटनेस ट्रैकर की तरह नहीं लगती, थोड़ी सी फैंसी है. तो अगर आपको किसी पार्टी या बाहर हैंग आउट के लिए भी पहनना है देन इट गिव्स यू अ वेरी एलिगेंट लुक. तीसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी वो है इसका क्विक पेयरिंग, बहुत आसानी से पैर अनपेयर कर सकते हो. रात को नहीं पहनना है, आसानी से रख दो अनपेयर करके, सुबह अपने आप जैसे ब्लूटूथ ऑन होगा ये घड़ी पेयर हो जाएगी. बैकग्राउंड चेंज, क्योंकि नहीं पसंद आ रहा है ना, जिस तरीके से इस स्मार्ट वॉच की कुछ चीजें नहीं पसंद आ रही है उसमें से सबसे पहली चीज है इसके थिक बेजल्स. दूसरा चीज जो मुझे थोड़ा कम पसंद आया वो है इसका स्पीकर क्वालिटी. हालांकि अगर आप इससे कॉलिंग करते हैं तो सामने वाले को आपकी आवाज क्लियर सुनाई देगी थैंक्स टू इट्स माइक्रोफोन, बट इसका जो स्पीकर क्वालिटी है आपको उस सामने वाले इंसान की आवाज थोड़ी कम सुनाई देती है डिस्पाइट योर वॉल्यूम बींग ऑन द मैक्सिमम लेवल्स ऑन द स्मार्ट वॉच. स्मार्ट वॉच के बारे में ये दो चीजों को आप इग्नोर कर सकते हैं और आप खरीदना चाहते हैं देन यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन द Noise Fit Diva Smart Watch, maybe for its strengths that I have already mentioned. So that was my review on the smartwatch. आपको कैसा लगा? Looks तो प्यारे हैं, वो भी मुझे comment box में लिखकर बताइए. Would you want to buy it or not? वो जल्दी से comment box में लिखकर बता दो. Video कैसा लगा? वो भी बता दो. मतलब अगर अच्छा ही लगा तो like ही कर दो, share कर दो and also subscribe to Catch Times.